हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एडिबल ऑयल रिफाइनरी का पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हम सीखेंगे कि डिगमिंग ऑफ ऑयल क्या होता है, ऑयल की डिगमिंग क्या होती है। मैंने उसमें पहले वीडियो में आपको बताया था कि और जो है हमारा जो ऑयल है, कितने टाइप के ऑयल्स होते हैं और उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है, और जो है उसमें जो है सेकेंड इम्प्योरिटी जो आई थी वो जो है हमारा गम्स आई थी। तो हम गम्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिगमिंग करेंगे। डिगमिंग क्या है, कैसे वो होती है, वो सारी इस वीडियो में सीखेंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में देखूँ तो सबसे पहले हमने सीड जो है प्रिपेयर किया था। सीड को कैसे प्रिपेयर किया था, जैसे दोस्तों अगर ये सपोज करो कि मूँगफली है, मूँगफली का हमें ऑयल क्या है रिप्ड आउट करना है, मूँगफली का ऑयल हमें निकालना है। तो सबसे पहले मूंगफली जो खेतों में आएगी तो इसमें अगर डस्ट रहेगी तो उसकी डी डस्टिंग करेंगे, यानी कि डस्ट को जो है सीव से चाल वाल के रिमूव कर लेंगे। उसके अलावा अगर इसमें जो है स्टोन आएंगे तो उसकी डी स्टोनेशन करेंगे, यानी कि उसमें से पत्थर वगैरह रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अगर उसमें हल्के जैसे हस्क वगैरह आ जा रही हैं, छोटे छोटे घास के पार्टिकल तने वगैरह, तो उनके लिए हम ब्लोवर चला के पूरा पूरा उन्हें रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है सीड के जो है ऊपरी आवरण को, ये जो है ऊपरी आवरण सपोज कर मूंगफली का, ये ऊपरी आवरण को हम क्या करेंगे अलग करेंगे सीड से। अब सीड प्रिपेयर हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे रिप्ड आउट, इसमें से जो है रिप्ड आउट ऑफ ऑयल, इसमें से जो है ऑयल है उसको रिप्ड आउट करेंगे, यानी कि निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेलर हो गया, और एक्सपेलर हुआ या कच्ची घानी में, जैसे मूंगफली का मैं बता रहा हूँ, अगर सरसों के बेस केस में देखें तो उसे कच्ची घानी में ले जाके उसमें से सरसों के सीड से जो है ऑयल रिमूव करते हैं, या एक्सपेलर के या स्क्रू एक्सपेलर से, या कहीं कहीं हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करके जो है ऑयल को जो है निकालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिससे हम क्या करेंगे ऑयल को निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मिलेगा क्रूड ऑयल मिलेगा, और क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, गम्स होती है। अगर आपने सरसों का तेल कभी भी देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो गम्स है, एक तरह से जिसे खली कहते हैं, वो खली के कुछ पार्ट ऑयल में रह जाते हैं, जिन उन्हें एक मोटी लैंग्वेज में कहें तो वही गम्स हैं हमारे, और उन्हें हमें क्या करना है दोस्तों, रिमूव करना है। रिमूव करने का क्या मतलब है, क्यों हमें रिमूव करना है, देखिए डिगमिंग ऑफ ऑयल में हम क्या सीखेंगे, इन डिगमिंग प्रोसेस वी एलिमिनेट, यानी कि हम रिमूव करते हैं फॉस्फेटाइड इम्प्योरिटी, यानी जितने भी हमारे फॉस्फेटाइड इम्प्योरिटी हैं उनको हम क्या करते हैं डिगमिंग प्रोसेस में रिमूव करते हैं, विच नोन एज गम्स। और इस फॉस्फेटाइड इम्प्योरिटी को हम किसके नाम से जानते हैं, गम्स के नाम से जानते हैं। दे नीड टू रिमूव फॉर टू मेन रीजन, उनको रिमूव करने का बस दो ही कारण है। पहला कारण है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रिफाइनरी लॉसेस, यानी कि जो अगर गम आपके ऑयल में पाया जा रहा है तो आप देखोगे कि उसमें जो है मैक्सिमम जो है ऑयल लॉसेस होते हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हम जो कच्ची घानी में सरसों जो है सरसों से तेल निकालने जाते हैं तो उसमें जो खली बचती है, तो आप सोचोगे कि खली क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें क्या है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो खली होती है दोस्तों उसमें 18-19% जो है सरसों का तेल बचा रह जाता है, और यही कारण है कि जो कोल्हू वाला होता है वो ये कहता है कि आप पैसे मत दीजिए मुझे, इसके बदले में क्या करिए खली दे दीजिए। अब उस खली का क्या होता है वो भी समझ लीजिए, वो खली जो जाती है बड़े लेवल पे उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें जो है हमें हेक्सेन जो है एक सॉल्वेंट होता है हेक्सेन, उसको उस खली पे क्या किया जाता है सावरिंग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, तो हेक्सेन की क्वालिटी होती है कि वो जो खली में से जितना भी 19% तेल है उसको साथ लेके अलग हो जाता है, यानी कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की तरह हम क्या करेंगे, सॉरी सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की तरह ये वर्क करेगा। सॉलिड हमारी खली है, उसमें हम पूरा का पूरा क्या है हेक्सेन सॉल्वेंट के रूप में मिला दिए, अब वो सॉल्वेंट जो है हेक्सेन है वो पूरा का पूरा जो है खली को लेके अलग हो जाएगा। बाद में जो है उसका सिंपल डिस्टिलेशन कर देंगे, यानी कि जो हेक्सेन की बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 50-80 के बीच में ही होगा, और ऑयल की जो सरसों का तेल है उसकी तो 300 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसे सिंपल सा हाई टेम्परेचर दोगे तो पूरा हेक्सेन जो है उड़ के कंडेंसर में आके कंडेंस होकर पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, और पूरा आपको सरसों का तेल जो है
जो खली में है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये फायदा होता है, आप जो है 10 रुपये बचाने के चक्कर में कम से कम दुकानदार को जो है खली ले रहा है उसको जो है 100 रुपये का फायदा करा रहे हो, क्योंकि वो जो है उसे ऊंचे दाम पे बेचेगा, फिर उसमें से तेल निकाला जाएगा। तो वही खली की बात हो रही है, वही हमारी फास्फेटाइड इम्प्योरिटी, अगर वो तेल में रहेगी तो सबसे पहला है कि वो ऑयल लॉसेज ज्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी तेल के बॉटम में जो खली रह जाती है, खली टाइप की रह जाती है, उसको आप क्या करते हो, यूज तो करते नहीं, फेंक देते हो। तो उसका पहला रीजन यही है निकालने का कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रिफाइनिंग लॉसेस, यानी कि ये ऑयल की लॉसेस जो है 18 या 19% कर देती हैं, इसी वजह से इनको निकालना जरूरी होता है। दूसरा, दे डिकम्पोज डार्केन द ऑयल ड्यू टू देयर थर्मल इंस्टेबिलिटी, वो जो है अगर ऑयल में रहेंगी तो ऑयल को हमेशा जो है डार्केन यानी काला कलर देंगी। और क्यों देंगी, क्योंकि वो जो है ऐसे जो है एक तरह से कह लो कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इतनी अधिक होती है कि वो जल्दी रिमूव नहीं होती, और उनकी वजह से तेल हमारा क्या होगा, डार्केन होगा, और डार्केन तो होगा ही और जो है डिकम्पोज जल्दी होगा, एक तरह से हम यही मान के चले कि दे डिकम्पोज डार्किंग द ऑयल ड्यू टू देयर थर्मल इंस्टेबिलिटी। अगर ये डिकम्पोज भी होंगी खली जो है, अगर खली वाले तेल को आप क्या करो यूज करोगे तो आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा तेल जो है आपका सरसों का तेल पूरा का पूरा एकदम डार्किंग हो गया है और वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। किसकी वजह से, आपके फास्फेटाइड इम्प्योरिटी यानी कि गम्स की वजह से। अब देख लेते हैं गम्स कितने टाइप के होती हैं। तो गम्स हमेशा जो है दोस्तों दो ही टाइप की होती हैं, एक होती है जो है हाइड्रेटेबल गम्स और एक हमारी होती है नॉन हाइड्रेटेबल गम्स। हाइड्रेटेबल गम्स का मतलब होता है कि वे गम्स जो ऑयल में प्रेजेंट हैं, अगर उसमें हम पानी मिला दें तो पानी के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। कुछ गम्स होती हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करके नहीं रिमूव होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन हाइड्रेटेबल गम्स, और यानी कि वो पानी के साथ रिएक्शन करके रिमूव नहीं होती, तो उन्हें हम नाम दे देते हैं नॉन हाइड्रेटेबल गम्स। तो अब जो है हाइड्रेटेबल गम्स का जो इंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो गम्स हाइड्रेटेबल गम्स का इंड प्रोडक्ट है वो होता है लेसिथिन, और नॉन हाइड्रेटेबल गम्स का जो इंड प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं सिफेलिन। यानी कि कहने ये लेसिथिन और सिफेलिन क्या है वो आप आगे समझ जाओगे क्या है। उसके बाद आते हैं कि टाइप ऑफ डिगमिंग प्रोसेस, जो है डिगमिंग प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा यूज होती है वाटर डिगमिंग, यानी कि वाटर से ऑयल वाटर और ऑयल का रिएक्शन करा के हम गम्स को रिमूव कर देते हैं। दूसरा एसिड डिगमिंग, एसिड डिगमिंग में आपके फास्फोरिक एसिड हो गई, एस्टिक एसिड हो गए, इन सब चीज़ों को मिला के हम जो है क्या करते हैं गम्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद एंजाइम डिगमिंग्स, कुछ एंजाइम मिला के जो है एंजाइम जाते हैं और जो है गम्स को एक तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं और ऑयल जो है गम्स फ्री हो जाता है। तो एंजाइम डिगमिंग्स भी होती है। मेम्ब्रेन डिगमिंग, जैसे आरओ से हम वाटर को छान लेते हैं वैसे ही तेल को भी हम मेम्ब्रेन लगा के एक तरह से छान सकते हैं, जिसे हम मेम्ब्रेन डिगमिंग कहते हैं। फिर एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें यूज होती है। उसके अलावा सुपर डिगमिंग है, टॉप डिगमिंग है, ड्राई डिगमिंग है और अल्फा लेवल डिगमिंग है। इतने लगभग हमारे पास जो है 8 टाइप की जो है डिगमिंग प्रोसेस होती है, लेकिन इस प्रोसेस में या इंडिया में जो है मैक्सिमम जो यूज होती है वो दो ही होती है, एक वाटर डिगमिंग और एक एसिड डिगमिंग। और वाटर डिगमिंग क्या होती है, एसिड डिगमिंग क्या होती है, वो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने एक फ्लो डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल आ गया, क्रूड ऑयल जो है सीट तैयार हो गई थी, एक्सपेलर से उसका ऑयल रिप्ड आउट कर दिए थे, वो ऑयल अब क्रूड ऑयल कहलाएगा, और उसको क्रूड ऑयल को यहाँ पे हम रख लिए। अब इसे क्या कराएंगे, हम पीएचई से पास कराएंगे, यानी कि जानते हो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को शॉर्ट में पीएचई कह रहे हैं। तो क्रूड ऑयल तो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, फिर वो जो पीएचई यानी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर से गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर 50 से 55 तक बढ़ जाएगा। उसके बाद उसे हम एक हाइड्रेशन टैंक में ले जाएंगे। हाइड्रेशन टैंक, हाइड्रेशन टैंक में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्योर वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप खराब पानी ऐड करोगे तो
आपको तो वाटर डिगमिंग करनी है, तो अगर खराब वाटर यूज करोगे तो जानते हो वो तो इम्प्योरिटी बढ़ाए गए, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें प्योर वाटर ऐड करेंगे। और इसका जो है रेशियो होता है 3.5 रेशियो 1 होता है, यानी कि अगर 3.5 लीटर ऑयल है तो उसमें 1 लीटर पानी होना चाहिए। इस रेशियो से हम जो है हाइड्रेशन टैंक में पानी ऐड करते हैं, और जो है उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये जो है एक तरह से CSTR रिएक्शन रिएक्टर है, यानी कि कंटिन्यूअस स्टीयरर टैंक रिएक्टर, जिसमें स्टीयरर जो है हमारा पैडल टाइप एजिटेटर होता है, पैडल टाइप एजिटेटर घूमता रहता है और पानी हम मिलाते रहते हैं, उसमें मिक्सिंग होती रहती है, और ये जो है एक तरह से CSTR रिएक्टर है, कंटिन्यूअस स्टीयरर टैंक रिएक्टर। उसके बाद पूरा मिक्सिंग होती है, ऑयल और पानी का पूरा अच्छे से मिक्सिंग होती है, फिर उस ऑयल को हम रिटेंशन टैंक में डाल देते हैं 5 से 8 घंटे तक। उस पानी को और जो ऑयल का मिक्सचर है उसको हम क्या करेंगे रिटेंशन टैंक में डाल देंगे, और कुछ समय बाद देखेंगे कि वो जो है जितने गम्स पहले ऑयल में थे जो दिख नहीं रहे थे वो क्या हो जाएंगे, फूल के ऊपर हो जाएंगे, वो दिखना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएंगे। तो रिटेंशन टाइम में हम बस रिटेंशन टाइम कह दो या होल्डिंग टाइम कह दो, तो वहाँ पे 5 से 8 घंटे आपने रख दिया तेल को। उसके बाद फिर जब आपका टाइम ओवर हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे उसे पीएचई से फिर पास कराएंगे, यानी कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर पास कराएंगे, और वो क्या करेगा इस तेल का टेम्परेचर 80 डिग्री तक रीच करा देगा, बढ़ा देगा। अब जो है 80 डिग्री का जो है हमारा ऑयल जो है जिसमें जो है पानी भी है और ऑयल भी है, उसको हम ले जाएंगे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें ले जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम क्या है पहले ये समझते हैं। आपने जो है दूध से क्रीम निकालने का जो मशीन जो देखा है, सेम वैसे ही ये भी मशीन होती है। वो भी जो है क्या करती है कि इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए कि क्या ये करती है। इसका काम ये होता है कि हल्के चीज को सेंटर से दूर ले जाना, सॉरी जो हैवी चीज है यानी कि हैवी लिक्विड को सेंटर से दूर ले जाना और हल्के चीज को सेंटर के पास लाना, इसका बस यही काम है। जैसे आपने जो है अगर देखा होगा मक्खन कैसे निकालते हैं, मक्खन में जो है जैसे मथनी जो है मथनी हम घुमाते हैं, तो उसके बाद जब उसमें पानी ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो है जितने मक्खन होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, हल्के चीज बीच में आ गए और मट्ठा जो छाछ होता है वो सेंटर से दूर चला जाता है। इसी तरह अगर दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन का प्रिंसिपल देखोगे, उसमें जो भी है दूध जो है पानी वाला दूध जो है वो सेंटर से दूर आ जाएगा और क्रीम जो है बीच में आ जाएगी, यानी कि हल्के चीज, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन का प्रिंसिपल है कि हल्के चीज बीच में और जो हैवी चीज हैवी लिक्विड जो है सेंटर से थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो जब जो हैवी जो हैवी इसमें क्या होगा, हैवी जो है एक तो हमारा ऑयल ही होगा क्योंकि ऑयल जो है एक तरह से हैवी है, तो ऑयल जो है इसमें जो है इसका जो है यही प्रिंसिपल है, ये दोनों को अलग कर देगा, लाइट को अलग और हैवी को अलग। तो हैवी में हमारा जो है लाइट में हमारी गम्स हैं, गम्स बहुत ही हल्की हैं, वो आप देखोगे कि बहुत हल्की, वो तो ऊपर वैसे ही आ जाती हैं, तो हल्की हैं गम्स हमारी हल्की हैं। तो गम्स प्लस उसके साथ जो वाटर है वो क्या होगा कि वो जो है एक साइड में आ जाएगा, एक जो है उसमें उस अगर आप नेट पे देखोगे तो मिल जाएगा, उसमें बॉल्स वगैरह होती हैं जो उनको अलग अलग कर देते हैं, गम्स और वाटर को अलग कर देती है और ऑयल को अलग कर देती है। तो ये जो है गम्स और वाटर जो है लाइट होंगे वो अलग होंगे, उनको हम क्या करेंगे सुखा देंगे, यानी कि पानी को रिमूव कर दो तो गम्स गम्स ही बचेगा, ड्राई कर देंगे, और जब ड्राई कर देंगे तो जो हम गम्स मिलेगी उसको नाम दे देंगे कमर्शियल लेसिथीन, उसे नाम देंगे क्या दोस्तों लेसिथीन देंगे। और लेसिथीन का बहुत यूज है, उसका यूज आप पेंट इंडस्ट्री में, चॉकलेट इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लेसिथीन का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो है जो हैवी मिलेगा जिसमें ऑयल हुआ और वाटर, वाटर बहुत कम मिलता है दोस्तों, 0.5% उसमें ऑयल के साथ जो है वाटर रह जाता है, मैं और बाकी जो है गम्स के साथ इधर से अलग हो गया, और हैवी में हमारा ऑयल जो है और वाटर 0.5% अप्रोक्स वाटर ऑयल के साथ अभी भी है, वो क्या होगा वो दूसरे साइड से रिमूव होगा, दूसरे बाउल से रिमूव होगा, बाउल्स के जो है
उसमें आप प्रिंसिपल देखोगे तो जो है मिडिल में हमारे जो है लाइट लिक्विड हो गए और साइड से हमारे हैवी ऑयल। तो ऑयल में हमारा अभी 0.5% जो है मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि वाटर है। तो उसको हम ले जाएंगे वैक्यूम ड्रायर में। वैक्यूम ड्रायर में हम 680 से 700 mm Hg वैक्यूम रखेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री पे पानी वैसे ही क्या हो जाएगा और जो है इवोपरेट, सॉरी एक तरह से जो है फ्लैश ओवर हो जाएगा, यानी कि वो तुरंत वेपर बन के स्टीम बन के वो निकल जाएगा। और बाकी जो है ड्राई ऑयल यानी कि एकदम ड्राई ऑयल, अब जो है यहाँ पे इसके साथ 0.5 था यानी कि ये मॉइस्चराइज ऑयल था, अब वो वैक्यूम ड्रायर में ले जाकर उसे भी रिमूव कर दे तो वो ड्राई ऑयल हो गया। और इससे हम कहाँ पे ले जाएंगे, ये तो अभी ड्राई ऑयल है दोस्तों, इसमें अभी इम्प्योरिटी है। कौन सी इम्प्योरिटी है? इसमें नॉन हाइड्रेटेबल गम्स इसमें भी है, क्योंकि पानी से जो रिएक्शन करने वाले गम्स जो जैसे लेसिथिन हुआ वो तो हमने निकाल लिया, अभी जो है क्या रह गई है हमारी सेफेलिन रह गई है, यानी कि नॉन हाइड्रेटेबल जो पानी के साथ रिएक्शन करके नॉन निकलने वाली इम्प्योरिटी है वो जो तो अभी भी है। तो अब इसी ऑयल को उठा के सीधे यहाँ पे रख देंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हम फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पीएचई से पास कराएंगे, उसके बाद हाइड्रेटेशन टैंक में ले जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि अब एसिड डिगमिंग हो गई। पहले तो हमने वाटर डिगमिंग पूरा बताया और फिर जो यहाँ पे मिल गया उसमें भी जो है नॉन हाइड्रोटेबल इम्प्योरिटी है, यानी कि जो पानी से रिएक्शन करके नहीं गम्स रिमूव हुई उन्हें अब फिर यहाँ पे लाके पीएचई से पास करा के हाइड्रेशन टैंक में हम फास्फोरिक एसिड या एस्टिक एसिड मिला के उसके बाद उसको जो है वहाँ पे जो है एक चीज चेंज हो जाती है, वहाँ पे हमारा जो है मिक्सर होता है वो चेंज हो जाता है आई थिंक यहाँ पे, हाँ हाई शेयर मिक्सर हो जाता है वहाँ पे। हम यहाँ पे तो हमारा पैडल टाइप का था, यहाँ पे जो है हाई शेयर टाइप मिक्सर यहाँ पे यूज हो जाता है। किसमें दोस्तों? जब हम मिलाते हैं हम एसिड डिगमिंग करेंगे, एसिड डिगमिंग में हमारा क्या हो रहेगा, हमारी जो है एसिटिक एसिड रहेगी, फास्फोरिक एसिड रहेगी, और उसका सोल्यूशन बनाने के लिए पानी भी, पानी मिला के उनका सोल्यूशन बना के अब इसमें हाइड्रेशन टैंक में डाल देंगे। वहाँ पे हमारा हाई शेयर टाइप एजिटेड मिक्सर रहेगा, यहाँ पे मिक्सर रहेगा वो मिक्स करेगा पूरा, उसके बाद रिटेंशन टैंक में डाल देंगे 5 से 8 घंटे, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा के सेंट्रीफ्यूज में पास करा देंगे। फिर उसी तरह लाइट और हैवी अलग अलग हो जाएंगे, लाइट में हमारे गम्स और वाटर गम्स और जो है एक तरह से एसिड जो होते हैं वो यहाँ पे वाटर नहीं रहेगा, वहाँ पे जो है जब एसिड डिगमिंग करेंगे तो गम्स और कुछ अमाउंट में एसिड जो वहीं फास्फोरिक और एसिटिक रहें वो आ जाएंगे, उनको हम ड्राई कर लेंगे। और उसको जो है वहाँ पे अब कमर्शियल लेसिथिन नहीं होगा, वहाँ पे तब हमारा हो जाएगा सिफेलिन हो जाएगा, सिफेलिन हो जाएगा, तब वहाँ पे जो गम्स बनेंगे वो सिफेलिन हो जाएगा। और सिफेलिन का यूज आप जो है एक तरह से जितने भी कैटल फीड के रूप में इसका यूज करोगे, जैसे चोकर बनाना है, किसी चीज का दाना बनाना है, तो उसमें हम सिफेलिन का यूज कर लेंगे। और बाकी जो हैवी ऑयल जो है दूसरे सेंट्रीफ्यूज से दूसरे साइड से निकलेगा हैवी चीज, और ऑयल को फिर से हम क्या करेंगे वैक्यूम ड्रायर में ले जाके ड्राई कर लेंगे। और इस बार जो हमारा ऑयल मिलेगा वो हमें ऑयल, उस ऑयल को हम कहेंगे डीगम ऑयल, यानी कि उसमें अब गम्स नहीं है, क्योंकि गम्स दो टाइप के थे, दोनों को हमने निकाल लिया। आप ये ध्यान रखना कि जो हमारे जो एसिड डिगमिंग होती है उसमें हम एक तो फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड और इन दोनों के सोल्यूशन बनाने के लिए हम वाटर का भी यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि उसका सोल्यूशन दोनों को घोलने, पानी मिला के घोल के उसका सोल्यूशन बना के डाल देते हैं। इसके अलावा इसमें तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन जो है सॉरी, इसमें साइट्रिक एसिड का भी कर सकते हैं, एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड, यहाँ पे साइट्रिक एसिड एक चीज छूट रहा है, ये साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड पहले यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा हम साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और वाटर,
ये तीन चीज यहाँ पे ऐड करते हैं। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे एक हमारा साइट्रिक एसिड और दूसरा जो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा हमारा वाटर। वाटर बस एक तरह से सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। इसमें अभी बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन शॉर्ट में आपको बताया यही है। इसके अलावा जो है डिगमिंग, अगर ये आप इतना भी जानते हो तो बहुत है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।